प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का फिर से आज हमारे एक नए कार्यक्रम में, अध्यात्म ज्योतिष की चर्चा में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। मैं देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आप सभी के साथ आचार्य आशीष। आप भी नीचे फटाफट कमेंट बॉक्स में अपना नाम या अपने शहर का नाम लिखकर हमारे कार्यक्रम का एक खास हिस्सा बन सकता है। खैर, हम लोग आज के विषय पर चलते हैं। नए दर्शक हैं और आप चाहते हैं कि ऐसी कार्यक्रम आप देखते रहें तो आप बेल सब्सक्राइब चैनल को कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको समय समय पर ऐसे कार्यक्रमों का संदेश आपको प्राप्त होता रहे। तो चलते हैं फटाफट। मैं आपके साथ में सभी ग्रह, सभी योग, युति, राजयोग, इन पर सब तक चर्चा करता रहता हूं। आपको समय समय पर ग्रह गोचर की स्थितियों को बताता हूं। लेकिन आज मैं आपको जब इस श्रृंखला में बता रहा हूं, श्रृंखलाबद्ध बता रहा हूं कि कोई भी ग्रह है और वो आपके कुंडली के अंदर 12 भावों के अंदर बैठ जाता है तो उसका क्या फल होता है, तो आज इस श्रृंखला में हम लोग राहु को लेकर बात करेंगे। देखिए, राहु एकमात्र ऐसा ग्रह है जो उससे हर कोई भयभीत रहता है, भ्रमित रहता है, शायद हम लोग समझ नहीं पाते हैं। हम लोग उसके नेगेटिव फैक्ट को ही देखते हैं और हम उसके सकारात्मक पहलू पर हम लोग विचार नहीं करते हैं कि राहु हमारे लिए कहाँ कहाँ अच्छा हो सकता है, कहाँ कहाँ हमें सपोर्ट कर सकता है। तो कुल मिलाकर आज ऑल ओवर मैट उसके 12 हाउसेस पर उसके स्थापित होने पर, यानी राहु की प्लेसमेंट कुंडली पर कहाँ है और किस स्थिति में है और उसका क्या फल रहेगा अगर वो सकारात्मक परिणाम हमें नहीं मिल रहे हैं, अच्छे परिणाम हमें नहीं मिल रहे हैं, तो रेमेडी क्या हो सकती है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, उपाय, तो उपाय भी आपको बताऊंगा। तो दर्शकों, आज हम बात कर लेते हैं राहु के क्रमशः। मान लो आपकी जन्म कुंडली के अंदर, क्योंकि राहु कहीं ना कहीं तो बैठा होगा, लेकिन मुझे आपकी कुंडली में पता नहीं कि राहु कहाँ बैठा हुआ है। तो आप अपनी कुंडली खुद खोल लें या अपने बच्चों की कुंडली और उसमें देखें और उसका अनुसंधान करें कि वास्तव में राहु के किस भाव के स्थान पर बैठने का क्या फल रहेगा। स्टेप दर आपको समझाने का स्टेप दर स्टेप समझाने का प्रयास करूंगा, थोड़ा सा आप समय निकालें तो शायद बात समझ में आ सकती है। ठीक है ना, तो हम लोग क्योंकि पर्टिकुलर किसी कुंडली पर तो हम लोग नहीं यहाँ पर प्रेडिक्शन कर रहे हैं, तो हम काल पुरुष की कुंडली की गणना पर आधारित हम लोग चर्चा करेंगे। काल पुरुष की कुंडली का मतलब होता है कि मेष लग्न, यानी फर्स्ट हाउस से लेकर के पहले घर में जो भी अंक लिखा होता है वहीं से हम लोग लग्न स्टार्ट करते हैं। खास बात यह होती है कि कोई भी लग्न हो, क्रमशः वहां से गिनती आगे बढ़ती है। कुंडली के अंदर 12 भाव होते हैं, 12 घर होते हैं, उसमें हम लोग मान लो कि हमने फर्स्ट हाउस के अंदर 2 लिख दिया तो स्वाभाविक है कि अगले वाले भाव में, अगले हाउस में हम लोग 3 ही लिखेंगे, नियम है। तो आप समझ रहे होंगे कि इस प्रकार से कुंडली के सभी भावों में हम लोग जब चर्चा करेंगे, राहु अगर फर्स्ट हाउस में बैठता है तो यहां पर मंगल का ग्रह माना जाता है। बड़े ध्यान से आप समझें, क्योंकि यहां पर क्या होगा, एक होगा और एक का जो लॉर्ड होता है वो मंगल होता है। एक का मतलब मेष राशि और मेष का स्वामी मंगल। मैं इसलिए थोड़ा सा समझा रहा हूं कि हो सकता है कोई बिगनर इसको देख रहे हो तो उसको समझना है तो कैसे वो समझेगा, अगर हम थोड़ा सा विस्तार करेंगे तो शायद उसके लिए अच्छा रहेगा। तो मेष का स्वामी मंगल होगा और मंगल के घर में राहु बैठेगा तो यहां अंगारक योग की स्थिति पैदा हो जाती है। जबकि मंगल के साथ नहीं बैठा है, वैसे युति का ये योग युति के आधार पर बनता है। युति को लेकर मैं अलग से चर्चा कर चुका हूं, आप उन्हें भी देख सकते हैं जाकर के। लेकिन राहु मंगल के घर में भी बैठेगा तो अंगारक योग तो नहीं बनेगा लेकिन अंगारक योग की स्थितियां पैदा कराएगा। क्यों? क्योंकि मंगल का घर, मंगल के घर में वो वहां पर अपना एक अलग प्रभाव यहां पर दिखाएगा। फर्स्ट हाउस में बैठेगा तो हेल्थ इश्यूज यहां पर उत्पन्न करेगा, समझ रहे हैं? कहीं ना कहीं चाहे मानसिक पीड़ा की बात हो, अच्छा एक चीज और भी है यहां पर, अगर मान लो राहु उच्च का है तो उसका क्या परिणाम होगा। ठीक है, अगर राहु के साथ, यहां घर तो मंगल का है लेकिन चंद्रमा और बैठ जाए तो युति तो नहीं होगी, चंद्रमा के साथ युति होगी। तो ऐसे में ग्रहण योग का निर्माण होगा और ग्रहण योग का निर्माण ऐसे में लग्न पर होगा तो सबसे पहले ये आपके चंद्रमा को डिस्टर्ब करेगा, आपके स्वास्थ्य को डिस्टर्ब करेगा। तो ये दोनों से संबंधित जो बाधाएं हैं वो यहां पर नजर आएंगी। दूसरा एक खास बात कि सेवंथ हाउस पर दृष्टि रहेगी। अब सेवंथ हाउस हम लोग सब जानते हैं कि ये मैरिड लाइफ से जुड़ा हुआ है घर है। आपके कोई भी पार्टनर हैं, लव पार्टनर हो, लाइफ पार्टनर हो, बिजनेस पार्टनर हो, इन सब को जो है ये यहां पर राहु प्रभावित करेगा। ऐसे लोग कहीं ना कहीं
मंगल से उसका कनेक्शन कोई ना कोई बन रहा हो, मंगल के घर में हो, तो ऐसे लोग बहुत जल्दी गुस्सा करने वाले, कभी कभी बेवजह भी जो है इनको क्रोध और उससे आवेश में आकर अपना बहुत सारा, कई बार ये काम अपना बिगाड़ लेते हैं। तो बहुत सारी क्षतियां इससे समय समय पर इनको झेलना पड़ता है। वही अगर सेकंड हाउस के अंदर योग बनता है, ठीक है, वहां पर राहु आते हैं, तो खास बात क्या, वो शुक्र का घर है। राहु का एक नियम यह भी है कि वो जहां जाता है उससे संबंधित फल भी देता है, यह भी राहु केतु के बारे में कहा जाता है। तो इसमें क्या है कि सेकंड हाउस है, भगवान राहु तो उसके साथ शुक्र बैठे वैसे तो निश्चित नहीं है, लेकिन घर तो शुक्र का ही है ना, इसलिए वहां पर वो उसको अच्छा लाभ मिलेगा। लेकिन ऐसे लोगों को पैतृक प्रॉपर्टी का लाभ नहीं मिल पाता है, मिल भी पाता है तो बहुत कम, विवाद की स्थितियां बनी रहती हैं, और अधिकतर मामलों में देखा जाता है कि वो लाभ मिल ही नहीं पाता लोगों। एक चीज और है, केतु अष्टम में हो जाएंगे, एक बात यहां पर ये भी, इन लोगों को जब भी धनागम की स्थिति बनेगी, ये कुछ ना कुछ ऐसे ही कार्य करते होंगे कि इनको धन अचानक से ही आता है, कुछ भी कार्य कर रहे हो उसमें रेगुलर इनकम का स्रोत इनके पास नहीं होता। जब भी यहां पर धन आएगा वो अचानक आएगा, बड़ी तेजी के साथ आएगा, खर्च की बात नहीं कर रहा हूं, केवल आमदनी की ही बात कर रहा हूं। तो ऐसे लोग कहीं ना कहीं एक नंबर से कमाई करना चाहे तो यहां पर राहु उनको डिस्टर्ब करता है, दो नंबर में लोग काफी फलीभूत हो जाते हैं। तो ये भी एक खैर अलग विषय, इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। तो ये द्वितीय भाव के अंदर की स्थिति है। अब हम लोग बात कर लेते थर्ड हाउस के अंदर राहु। अब राहु या क्रूर पापक ग्रह जो भी त्रिक स्थान में खासकर बैठते हैं, चाहे वो 3 में बैठे, 6 में बैठे, 8 में बैठे, 12 में बैठे, वैसे हम कुंडली में 3, 6, 12 की स्थिति खासकर जो, सॉरी 6, 8, 12 की खासकर जो स्थिति होती है उसको हम यहाँ पर शुभ ग्रह के लिए अशुभ मानते हैं। लेकिन अशुभ ग्रह वहां पर कंफर्ट महसूस करता है, क्यों? क्योंकि वो उससे संबंधित जगह है। इसलिए राहु खासकर तृतीय भाव के अंदर यहां पर बहुत अच्छा जो है अपने आप को महसूस करता है, और स्वाभाविक है कोई भी चीज अगर अपने आप को वहां पर सुरक्षित मान रहा है, अपने आप को वहां पर अच्छा समझ रहा है, तो निश्चित रूप से वहां पर वह जो भी उसका परिणाम होगा, राहु यहां पर अगर मान लो डिस्टर्ब है, खराब है, अच्छे नहीं है, तो उसके दुष्परिणाम भी प्राप्त हो सकते हैं, और अगर अच्छे हैं तो वहां पर शुभ परिणाम भी प्राप्त हो सकते हैं। तो अब आप समझ रहे होंगे बात को, ठीक है। तो तृतीय स्थान में पराक्रम बढ़ाएगा, राजनीति के लिए ये वाला राहु अच्छा माना जाता है। चतुर्थ भाव के अंदर मान लो राहु बैठ जाए तो यहां चंद्रमा का घर होगा, तो यहां भी कहीं ना कहीं मानसिक अशांति का शिकार ही करेगा। चंद्रमा के साथ साथ ये वहां शीतलता का एक नाटक तो करेगा, आवरण तो बनाएगा, लेकिन मखोटा पहन करके ही यहां पर ये काम करेगा। असलियत इसकी कुछ और ही होती है, और ये समय समय पर राहु का एक नियम है, एक नेचर है उसका, कि वो छुप करके बार, अचानक से बार, छल कपट, ये राहु के स्वभाव में आता है। तो इसलिए चतुर्थ भाव के अंदर ये कहीं ना कहीं शुकों को क्षय भी करेगा, और यहां पर बहुत ज्यादा शुभ ये नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद पंचम भाव के अंदर हम बात मान लेते हैं। अब देखो पंचम भाव के अंदर स्थिति होगी तो इसका एकादश भाव पर सीधा इसकी दृष्टि रहेगी। दृष्टि संबंध वैसे राहु और केतु का हम विचार करें तो सातवीं दृष्टि तो होती है, लेकिन पांचवी और नौवीं दृष्टि से भी राहु यहां पर देखता है। अब अगर यह स्थिति यहां पर होती है और ये पंचम भाव के अंदर बैठते हैं तो क्या होगा, पंचम भाव में यहां पर क्या है, यह सूर्य का घर है, और पांचवा घर किसका है, संतान का घर है, एजुकेशन का यहां से हम लोग विचार करते हैं, ठीक है, शिक्षा। अब शिक्षा इसका मुख्य बिंदु है, और शिक्षा यदि कहीं ना कहीं अगर शिक्षा में अवरोध आई है तो आप ये समझ लें कि पूरा जीवन की दिशा और दशा बदल जाती है। इसलिए जो है मुख्य चीज क्या है, शिक्षा। तो पंचम भाव के अंदर कहीं ना कहीं शिक्षा को प्रभावित कर देगा, और एकादश से संबंध बनेगा, तो कहीं ना कहीं यहां पर दृष्टिगत संबंध भी फाइनेंशियली, क्योंकि यहां पर देखो एक चीज और है, अगर विद्या प्रभावित होगी तो धन भी प्रभावित हो जाएगा, इसीलिए सबसे पहले विद्यार्जन पंचम भाव को प्रभावित करेगा, तो ऐसे लोग फिर उसका 11th हाउस भी प्रभावित हो जाता है। वो चीज अलग है, कुंडली के अंदर कुछ ऐसे भी योग होते हैं कि जो उससे दुष्परिणाम से बचा लेते हैं, या बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन सामान्यतः अगर राहु की स्पेशली हम लोग चर्चा करें तो उसका ये परिणाम यहाँ पर रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं षष्ठम भाव यानी सिक्स्थ हाउस के अंदर, यहाँ पर राहु प्रबल योग बनाएंगे,
शत्रु विरोधियों को परास्त करेंगे। राजनीति में जो भी लोग उच्च पदों पर पहुंच पाते हैं वो राहु की देन होती है। राहु यहां पर सिस्टम भाव के अंदर उनको वहां पहुंचाने का काम करता है, छल बल के साथ, साम दाम दंड भेद कुछ भी हो, विरोधी परास्त करके वहां तक पहुंचाने का काम यहां राहु करता है। ठीक है ना, छोटे मोटे शत्रु तो बात ही खत्म है, बड़े बड़े मगरमच्छ भी पीछे हो जाते हैं, तो इसलिए सप्तम भाव का राहु खासकर उनके लिए अच्छा माना जाता है। ठीक है, अगर बात हम सप्तम हाउस की करें, सप्तम भाव के अंदर ये वैभाविक स्थिति को है ना, इसलिए जब भी विवाह का, बहुत सारे लोगों की कुंडली के अंदर योग जो है विलंब का बनता है, तो उनके कुंडली में कहीं ना कहीं देखा जाए तो सेवंथ हाउस प्रभावित होता है। वहां पर राहु की प्लेसमेंट हो, केतु की हो, या फिर शनि की हो, है ना, बहुत सारी चीज, या सूर्य की हो, तो ये यहाँ पर इसको प्रभावित करेगा। शुक्र का घर है, कुछ चीजों के लिए अच्छा भी रहेगा, लेकिन इसको विलंब से सुख की नाका प्राप्त होगा। अष्टम भाव के अंदर राहु बलवान हो जाता है, यहाँ पर विदेशों से कार्य करना, विदेश गमन, ठीक है, बहुत सारे ऐसे जो दो नंबर के काम होते हैं वो राहु यहाँ पर कराएगा, उससे अर्थार्जन यहाँ पर राहु कराता है। नाइन्थ हाउस के अंदर बैठेगा तो बृहस्पति की यहाँ राहु नीच का हो जाता है, ठीक है, जबकि केतु वहां उच्च का हो जाता है। तो यहाँ भाग्य भाव के अंदर आकर के ये उतना अच्छा नहीं माना जाता, भाग्य को बहुत प्रभावित कर देता है। ऐसे लोग पूरे जीवन काल में संघर्ष करते हैं लेकिन वहां नहीं पहुंच पाते जहां उनको पहुंचना होता है, काबिलियत भी होती है लेकिन पहुंच नहीं पाते क्योंकि भाग्य इनका साथ नहीं दे पाता है। दशम के अंदर अगर ये स्थिति बनती है, राहु बनते हैं, तो यहाँ पर राहु काफी हद तक अच्छा प्रभाव भी रखते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे लोगों को ये भी देखा जा सकता है कि वो किसी न किसी मामले में फंसकर राज दंड भुगतने पर मजबूर हो जाते हैं। ठीक है, और चतुर्थों का सुख क्षय कर देता है, क्योंकि जब सुख का क्षय कर देगा इसीलिए वो वनवास कारावास की स्थिति पैदा हो जाएगी, कहीं ना कहीं उलझने, मानसिक अशांति, ये सब चीजें वहां पर उसको फेस करनी पड़ सकती हैं। एकादश के अंदर वही चीजें, वहां राहु बैठेगा तो पंचम को प्रभावित करेगा, धन को प्रभावित करेगा, लेकिन यह शनि के घर में इसलिए थोड़ा सा इसको सपोर्ट भी करता है राहु। ठीक है, तो कई चीजों में अगर मान लो ऐसे लोग केमिकल से जुड़े हुए हैं, कोल आदि का कार्य करते हैं, या कोई केमिकल की इंडस्ट्री में ऐसे लोग हैं, मीडिया आदि के क्षेत्र में हैं, या विदेश से कोई लेन देन का कोई इनका संबंध है, फाइनेंस का कार्य करते हैं, शेयर लॉटरी या फिर इस तरह का कार्य करते हैं, तो वहां पर लोगों को राहु सपोर्ट भी करता है। अब हम बात कर ले तो ट्वेल्थ हाउस के अंदर द्वादश में राहु जब चले जाते हैं तो वहां पर भी राहु की प्लेसमेंट अच्छी ही मानी जाती है। वो बात अलग है कि ऐसे लोग अपना धन अधिक मात्रा में बर्बाद भी कर देते हैं। अब देखो, खर्च अलग चीज है, और मैंने बर्बाद शब्दों का इस्तेमाल किया है, उसका मतलब क्या होता है, क्योंकि हम वेस्ट करते हैं। ऐसे लोग अपना जो है खाने पीने में, एक तो खाना पीना आप लोग समझ रहे होंगे, तो ऐसे लोग यहां पर जो है अपने पैसे को बर्बाद कर देते हैं, जुआ सट्टा आदि में जो है उसको खत्म कर देते हैं। यहाँ ये भी कह सकते हैं कि अनाचार व्यभिचार में अपने धन संपत्ति को ऐसे लोग उड़ा देते हैं। तो इसमें राहु का दुष्परिणाम जो है आपको न झेलना पड़े, उसके लिए राहु से रिलेटेड जो उपाय हैं उसको हमें करना चाहिए। उपाय हमें क्या करना चाहिए, एक तो ऐसे लोगों को किसी भी गलत संगत से बचना चाहिए, भरपूर प्रयास करना चाहिए। ठीक है, कुंडली में कहीं भी राहु है, अगर दुष्परिणाम हमें मिल रहा है तो इन चीजों से बचना चाहिए। ऐसे में धोखाधड़ी के मामले बहुत ज्यादा होते हैं, उससे हम लोग सावधान सजग रहना चाहिए। और ऐसे लोगों को नियमित रूप से, तो भगवान सांब सदाशिव की उपासना करनी चाहिए, या हनुमत लाल की उपासना इनको करनी चाहिए। हनुमान जी का और कुछ भी नहीं तो कम से कम एक हनुमान चालीसा का पाठ तो आप नियमित कर ही सकते हैं। तो ये तो बहुत छोटा सिंपल उपाय है, बाकी उपाय बहुत सारे हो सकते हैं, उसके लिए मैं अलग से स्वतंत्र चर्चा कर चुका हूँ। फिलहाल आज के इस एपिसोड में मैंने आपको बहुत छोटा उपाय और इसका चर्चा इस पर विस्तार से बताया। तो दर्शकों, मनन है, कोई विशेष प्रश्न होता है तो आप जो है अगर वीडियो से संबंधित है, एपिसोड संबंधित, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, और कुछ आप व्यक्तिगत प्रश्न अपना रखना चाहते हैं, जानकारी लेना चाहते हैं, तो हमारी वेबसाइट पर आप लॉग इन कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और स्वतंत्र रूप से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दर्शकों, आप बने रहें और हमें फिलहाल दीजिए जानकारी।